गाइस सैमसंग ने अपने आज दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, एक तो गैलेक्सी M30s और M10s, दोनों ही लेटेस्ट फोन है। दोनों की जो कीमत है 14,000 के बीच बीच है। तो अगर आपको गाइस एक 14,000 के बीच बीच एक ब्रांड फोन लेना है तो आप दोनों ही फोन में से किसी एक फोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज दोनों ही फोन का मैं करने वाला हूँ कंपेरिजन, देख लेते हैं कौन कौन सी सिमिलैरिटीज, कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हमें दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम प्राइस की बात करें तो आप दोनों ही फोन के प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं दोनों ही फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर हमें M30s में और गैलेक्सी M10s में दोनों में 6.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बट M30s में हमें एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और वहीं पर गैलेक्सी M10s में हमें HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। दोनों फोन्स में हमें सुपर एमोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर M30s में हमें एक्सपेक्ट रेशियो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण कि ओवरऑल अगर हम बात करें स्क्रीन की तो यहाँ पर M30s आगे निकल जाता है कंपेरिजन टू M10s से। बट यहाँ पर एक गई बात ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी डिफरेंस है। हमें M30s 14,000 रुपये का पड़ता है और वहीं पर M10s हमें लगभग 9,000 रुपये का पड़ जाएगा। अगर हम दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें M30s में एक्जीनो 9611 देखने को मिल जाता है, जो कि 10 नैनोमीटर पर वर्क करता है। वहीं पर M10s में हमें एक्जीनो का 7884B देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के ग्राफिक्स की। तो यहाँ पर हमें M30s में माली G72 MP3 देखने को मिल जाते हैं, वहीं पर हमें M10s में माली G71 MP2 देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर ले दोनों फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर दोनों में हमें पाई मिल जाता है, बट यहाँ पर M30s में हमें One UI की सपोर्ट साथ में देखने को मिल जाती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर M30s कंपैरिजन टू M10s से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के रैम और वेरियंट्स की। अगर हम M30s की बात करें तो इसमें हम 1 TB तक इसे बढ़ा सकते हैं इसकी मेमोरी को। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, साथ में हमें UFS 2.1 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसके कारण इसका जो फिंगरप्रिंट है थोड़ा सा आपको फास्टर देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट थोड़ा फास्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों में हम 1 TB तक मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर हमें M10s में केवल एक वेरिएंट देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की। तो M30s में हमें ट्रिपल बैक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साइड में हमें अपर साइड में हमें फ्लैश देखने को मिल जाती है 48+8+5 MP, और उसके साथ साथ फ्रंट में हमें यू शेप में एक 16 MP का वाटरप्रूफ नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर M10s में हमें 13+5 MP का बैक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस हमें फ्लैश, और फ्रंट में हमें वी शेप का एक 8 MP का वाटरड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरे के मामले में नो डाउट M30s आगे निकल जाता है कंपैरिजन टू M10s से। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की बैटरी की। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। M30s में हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि लगभग आपके 2 दिन आराम से निकल जाएंगे अगर आप स्टैंड वाइज से यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमें 15 W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमें M10s में 4000 mAh की बैटरी मिलती है, सेम वहीं पर 15 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो M10s में हम लगभग 1 दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी बैटरी लाइफ का, बट यहाँ पर नो डाउट कि M30s आगे निकल जाता है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि लगभग 2 दिन आपके आराम से निकाल देगी। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।